नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। दोस्तों, बिहार में प्रत्येक जिले के पर्यटन स्थल को जानने के क्रम में आज हम बात करेंगे जमुई की। बिहार के प्रसिद्ध जिलों में शुमार जमुई में कई पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल है जो इसे पर्यटन की दृष्टि से खास बनाते हैं। तो आइए जानते हैं वहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सिमुलतला हिल स्टेशन के बारे में। मिनी शिमला के नाम से विख्यात सिमुलतला अपने प्राकृतिक सुंदरता और सुहावने मौसम के लिए जाना जाता है। भारतीय पौराणिकता के अनुसार महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस का साधना स्थल या तपोभूमि के रूप में यह बेहतर जाना जाता है। यहाँ ठंड के दिनों में पर्यटक सिमुलतला के हरे भरे बाग बगीचे, सुंदर सुंदर झरने और पहाड़ों का दीदार करते हैं। स्वामी विवेकानंद भी यहाँ दो बार भ्रमण के लिए आए एवं अपने किताब में यहाँ की जलवायु की प्रशंसा भी की। यहाँ के महान परिदृश्य और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता आपको आश्चर्यचकित कर देगी। जब कभी भी आपको समय मिले, खासकर ठंड के मौसम में, तो यहाँ अवश्य आए। इसके बाद हम बात करेंगे काली मंदिर मलयपुर की। काली देवी को समर्पित यह मंदिर जमुई जिले के मलयपुर गांव में स्थित है। यह स्थान मुख्यतः हर साल दिवाली में छठ पूजा तक आयोजित होने वाले एक बड़े मेले के लिए जाना जाता है, जिसे काली मेला भी कहते हैं। आगे हम बात करेंगे चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय की। 16 मार्च 1983 को स्थापित इस संग्रहालय का नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता चंद्रशेखर सिंह के नाम से पड़ा था। वो 1983 से 85 तक बाढ़ में मुख्यमंत्री थे। संग्रहालय में महान पुरातत्वीय महत्व के पुराने पत्थर और 178 मूल्यवान वस्तुएं संग्रहित है। यह संग्रहालय पालकालीन कलाकृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। देश विदेश के दर्शक, शोधकर्ता एवं विद्वान यहां संग्रहित पालकालीन कलाकृतियों को देखने और उसका अध्ययन करने आते हैं। चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय जमुई में प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक के पाषाण मूर्तियां प्रदर्शित है, जिसमें सबसे प्राचीन प्रतिमा नोनगढ़ से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बनी। यह प्रतिमा बहुत ही आकर्षक है। आगे हम बात करेंगे जैन मंदिर धर्मशाला की। सिकंदरा ब्लॉक में स्थित यह धर्मशाला जैन तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे बड़ी धर्मशाला है। धर्मशाला के अंदर ही भगवान महावीर का विशाल मंदिर है। इस मंदिर में मूर्ति 2600 साल से अधिक पुरानी है। यह काली पत्थर की मूर्ति का वजन लगभग 250 किलो है। यह भगवान महावीर के जन्म स्थान क्षत्रिय कुंड ग्राम के रास्ते पर स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे गिद्धेश्वर स्थान की। जमुई जिले के खैरा प्रखंड में गिद्धेश्वर स्थान है, जहां पर भगवान शिव का मंदिर है, जिसे त्रेता युग का बताया जाता है। इस जगह की एक रोचक कहानी यह है कि जब रावण सीता का हरण कर अपने साथ लंका ले जा रहा था, तभी इस स्थान पर गिद्धराज जटायु और रावण के बीच युद्ध हुआ था। बाद में श्री राम को सीता जी का पता बताने के लिए जटायु को मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार कर उनकी भस्म से शिवलिंग बनाया और पूजा की। कहा जाता है कि वही शिवलिंग आज भी इस मंदिर में स्थापित है। गिद्धेश्वर स्थान की प्राकृतिक खूबसूरती देखते बनती है। पहाड़ों, पेड़ पौधे एवं तालाब के साथ ही यहाँ कई अन्य मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे भीम बांध की। यह जमुई जिले के लक्ष्मीपुर और मुंगेर जिले के खड़गपुर सीमाओं के बीच विस्तृत है। पहाड़ी क्षेत्र के आसपास 6 अलग अलग जगहों पर 6 गर्म स्प्रिंग है, अर्थात भीमबंध, ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड, श्रृंगी ऋषि कुंड, हिंगनिया और भरारी धारा। भीम बांध का संबंध महाभारत से रहा है। कहा जाता है कि पांडव जब जुए में कौरवों से हार कर अज्ञातवास के लिए निकले, तो वो यहाँ रहे थे और सुरक्षा की दृष्टि से इसका निर्माण किया था। इसे बनाने का बीड़ा भीम के ऊपर था, इसलिए इसका नाम भीम बांध पड़ा। वन एवं पर्यावरण विभाग ने उक्त जंगल में पाए जाने वाले कई महत्वपूर्ण जंगली जीवों के कारण इसे अभयारण्य का दर्जा भी दिया है। यह जगह जानवरों के साथ ही पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है। सर्दियों के दौरान पक्षी मध्य एशिया से आके भीमबंध में प्रवास करते हैं। अभयारण्य के पास अन्य पर्यटक स्थल है, जैसे ऋषिकंद, पंचकुमारी, रामेश्वर कुंड, खड़गपुर झील, श्रृंगी आदि। वन में पर्यटकों के रहने के लिए रेस्ट हाउस और
टूरिस्ट लॉज भी है जो जंगल के मध्य में आवास प्रदान करते हैं। अन्य गंतव्यों में आप मिंटो टावर जा सकते हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ में आजादी के पूर्व लॉर्ड मिंटो के आगमन के सम्मान में यह टावर का निर्माण गिद्धौर रियासत के राजा महाराजा चंद्रचूड़ सिंह के द्वारा 1906 से 1907 ईसा पूर्व में कराया गया था। इसके अलावा आप पत्नेश्वर पहाड़ पर स्थित भगवान शिव को समर्पित पत्नेश्वर नाथ मंदिर जा सकते हैं। फिर सिकंदरा में स्थित मां नेतुला मंदिर और खैरा की दुर्गा मंदिर भी जा सकते हैं, जिनका ऐतिहासिक ही नहीं पौराणिक महत्व भी है। प्रसिद्ध महोत्सव में यहां दशहरा में मनाई जाने वाली गिद्धौर महोत्सव की अपनी पहचान है, जिसमें कलाकारों द्वारा खूबसूरत प्रस्तुतियां दी जाती है। तो दोस्तों, बिहार के पर्यटन स्थल में हमने आज आपको जमुई जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम आपको बिहार के अन्य जिलों के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।